यह अनावरण है उस दिव्य शक्ति व आत्मा का मेरे स्वयं की नजर में। अपने अंतःकरण में उतरकर मैंने जो अनुभूतियां की, मैंने जो इसका अनुभव किया, वो आपके सामने पेश है। इस अनुभूति में थोड़ा हास्य का समावेश है और इसको कुंडली और आत्मा को एक अर्धांगिनी के रूप में, अर्धनारीश्वर के रूप में पेश किया गया है। आशा है आप सब इसके माध्यम से भीतर कहीं जरूर गुदगुदाएंगे। एक दिन कुंडलनी को बड़े जोर से खुंदक चढ़ी, तुनक कर वो पुनः त्रिकोणाकार अस्थि में बैठ गई। शस्त्रार्थ की सारी रौनक समाप्त हो गई, सारे चक्र भी तब जोर जोर से चिल्लाने लगे। कभी रुक रुक कर तो कभी तेजी से वो चलने लगे, सारे बेसुरे होकर अपना अपना राग अलापने लगे। नाड़ियों की भी तासीर अब बढ़ने लगी, पिंगला गर्मी से और ईड़ा ठंड से तड़पने लगी। सुषुम्ना की भी धड़कने अब रुकने लगी, सारे रोम छिद्र अब गर्माने लगे। उन पर बैठे देवगण गर्मी से तड़पने लगे, पीड़ित होकर गर्म गर्म हवा वो छोड़ने लगे। सारे नक्षत्र भी इधर उधर भटकने लगे, पांचों तत्व भी कुछ बेसुध से होने लगे। अब तो भैया खूना खून का दौरा भी गड़बड़ा गया, रास्ता भटक कर वो कहीं से कहीं तक जाने लगा। चारों तरफ एक कोहराम सा छा गया, इस अफरा तफरी में आत्मा की समाधि टूटने लगी। धीरे धीरे अध खुली आंखों से वो चारों तरफ देखने लगी, भूख से तड़पते देवताओं को देख उसका हृदय पिघलने लगा। प्रेम का लावा फूट कर कुंडली की ओर बढ़ने लगा, बड़े प्रेम से उसने अपनी कुंडली को पुकारा। सुनकर उसने आत्मा की आवाज को कुंडली ने कर दिया अनसुना। तब आत्मा ने अपनी करुणा से उसका सिर सहलाया, तब जाकर थोड़ी पड़ी कुंडली के कलेजे में ठंडक। फिर भी उसने अकड़ दिखाकर आत्मा को है लताड़ा, क्या है तुम्हारे पास, सदा चुपचाप समाधि में मगन रहते हो। मुझको देखो, कितनी सारी शक्तियां मुझसे मिलने आती हैं। माँ आदि भी मुझसे अपना खूब काम कराती है। चित्त के साथ मैं सारे ब्रह्मांड का विचरण करती हूँ, निगेटिविटी को खा खा कर सारे वातावरण को सुंदर करती हूँ। सबके शस्त्रारों पर चित्त के साथ जाकर उनकी सोई कुंडलियां मैं ही उठाती हूँ। माँ आदि भी शक्ति बनकर सदा साथ चलती हैं मेरे, और कभी कभी तो मैं भोले का प्रसाद भी पाती हूँ। सारे चक्रों को जगा जगा कर उनके भोजन का प्रबंध मैं करती हूँ। ईड़ा पिंगला भी मेरे मार्गदर्शन में चलती हैं, सुषुम्ना भी मेरा साथ पाकर खुशी से फूली नहीं समाती है। मेरे आने पर ही शस्त्रार कमल सा खिलता है, मेरा खिदमतकार बनकर सिंहासन मुझे पेश करता है। अनंत शक्तियां भी मेरे कदमों में तप करती हैं सदका, मैं ही तो चित्त में प्राण डालती हूँ, इसकी सारी गंदगी साफ कर विकार रहित रखती हूँ। मेरे को शस्त्रार पर पाकर मन भी अचल हो जाता है, मेरे सिंहासन पर बैठने से ही मानव में दिव्य गुण पनपते हैं। तब सारे अवगुण समर्पण करके गुणों में विलय होने लगते हैं, तब जाकर शटर को प्रभावहीन होने लगते हैं, तब जाकर सारी इंद्रियां आज्ञाकारी बन जाती हैं, तब निगेटिविटी भी निर्मल होकर साथ छोड़ जाती है, तब जाकर आदि गुरुओं की वाणी मानव को मिलती है। उदय हो जाता है आत्मज्ञान का सूरज, प्रेम की लालिमा भी फूट पड़ती है। तब सारे देवगण बजाते हैं खुश होकर अपने अपने मृदंग, सुरम में हो जाता है सारा वातावरण जब राग बिखरते हैं। तब जाकर मानव का अस्तित्व कुछ खोने सा लगता है, जमा पूंजी भी अब चेतन की घटने सी लगती है, प्रारब्ध की मुसीबतें कुछ टलने सी लगती हैं। अब शांत होकर बैठ जाता है अति चेतन भी, जाग जाता है सुपर कॉन्शियस बरसों का सोया, विलीन हो जाती है मानवीय चेतना इसके प्रकाश में, छूट जाता है मानव आवागमन के झंझटों से। इतनी बड़ी घटना घटित होती है केवल मेरे ही दम पर। तुम हो क्या चीज, क्या कीमत है तुम्हारी, सदा साक्षी भाव में बैठकर ध्यान मगन रहते हो। इतनी मेहनत मैं करती हूँ, तारीफ कभी नहीं करते हो। जब भी तुमको शस्त्रार से देखूं बुद्ध से बने रहते हो, भावनाओं के सात पर्दों में तुम सदा रहते हो। समझ नहीं आता परमात्मा ने क्यों तुम्हें बैठाया है, अपना नाम तुमको देकर भोला भंडारी कहलाया है। हर पल खाली बैठकर खुद को भोला कहलाते हो, ना खुद कुछ काम करते हो, ना दूसरों को कार्य करने की प्रेरित करते हो।
ऐसे अजीब से अकर्म में रहकर क्या यह दुनिया चल जाएगी? हाथ पर हाथ रखकर बैठने से क्या मानव को मुक्ति मिल जाएगी? मुझको देखो, एक पल भी मैं विश्राम नहीं करती हूँ। हर पल हर घड़ी कुछ ना कुछ काम मैं करती हूँ। पता नहीं काहे को तुम्हें मेरा जीवन साथी बनाया है, कैसा यह बेमेल हमारा तुम्हारा जोड़ा बनाया है। इतनी सारी शक्तियां और देवताओं के साथ मैं चलती हूँ, तरसती रहती हूँ तुम्हारा साथ पाने को, कभी इसके साथ कभी उसके साथ रहती हूँ। लगता है आजीवन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं पाऊंगी, हर पल तुम्हारी याद में तड़पती रह जाऊंगी। बैठे रहो यहीं हृदय में खाली, इंतजार करते हुए, देखते तक नहीं हो मेरी सुंदरता को आंख खोल करके। सुनकर आत्मा उसकी शिकायत पर मन मन मुस्काई, तब जाकर कुंडली ने अनंत प्रेम की एक झलक पाई। भूल गई वो सारा झगड़ा निर्मल प्रेम दृष्टि से, उतर गया उसका सारा गुस्सा उनकी इस चितवन से। तब तेजी से उठकर बाहर निकल गई अपनी त्रिकोण अस्थि से, दौड़कर उनके गले जा लगी वो बड़ी शिद्दत से। उसकी इस तड़प को देखकर आत्मा ने बड़े प्रेम से है सहलाया, थपथपाकर उसकी पीठ को एक प्रेम गीत है गाया। डुबाकर अपने प्रेम सागर में उसको खूब नहलाया, रंगकर आत्मा के प्रेम रंग में खो बैठी वो अपनी सुध। भूल गई वो शस्त्रार पर जाना, खोकर अपनी सुध। तब आत्मा ने बड़े अपनेपन से कान में उसके धीरे से फुसफुसाया, तुम मेरी शक्ति, तुम मेरी धड़कन, तुम ही तो हो मेरी चाहत। बिन तुम्हारे क्या रखा है मेरे इस जीवन में? दबी पड़ी थी अनेकों जन्मों से तुम्हारी ही तो प्रतीक्षा में। कब आओगी, कब मिलोगी? मेरी हृदय की शक्ति हो तुम, तड़पता हूं मैं सदा सिर्फ तुम्हारी ही याद में। तुम्हारे छूने से ही तो आ जाती है मेरी जान में जान, वरना बैठा रहता हूं दुख की अनंत समाधि में। तेरे आने से ही तो प्रकाशित होता मेरा रोम रोम है, जब होता है मेरा तुम्हारा मिलन चक्र अनंत के शोर में। खुल जाता हूं मैं तेरे ही तो स्वरूप में, घुसकर तेरे इस विलक्षण रूप में। मैं भी तो शस्त्रार पर जाता हूँ, तेरा ही तो हाथ पकड़कर दौड़ लगाता हूँ, तेरे साथ विराजकर सिंहासन पर अर्धनारीश्वर कहलाता हूँ। यही स्वरूप तो अंत में ईश्वर बन जाता है, जिसके आगे दंडवत होता ये संपूर्ण ब्रह्मांड है। प्रेम मैं हूँ, तू शक्ति है, मेरे प्रेम से ही तो तुझे गति मिलती है। हर पल तो तेरे हृदय में निवास करता हूँ, बंद आंखों से हर पल तुझे ही तो निहारता हूँ। जहां तू जाती है तेरे साथ मैं ही तो जाता हूँ, तभी तो तेरे छूने से सब में फूट पड़ता है प्रेम। यही तो है मानव का दिव्य क्षेम, यही भाव तो मुक्ति की अवस्था बनता है, यही तो केवल मानवीय चेतना के साथ जाता है और मेरा पुत्र मानव पूर्ण मुक्त हो जाता है। सुनकर गहरे राज की बातें गदगद हो गई कुंडली, हृदय में आत्मा की अनुभूति करके फिर अपने कार्य से निकल गई। इस अगली अनुभूति में एक ऐसा चित्रण है जो हमारे समाज का है, हर मूल के समाज का ये चित्रण है। इसमें एक आम आदमी जो ध्यान से जुड़ा भी नहीं है या ध्यान से जुड़ भी जाता है, एक स्थिति दोनों में कॉमन होती है। हमने देखा है आज हर मानव बेहद टेंशन में रहता है, तकलीफ रहती है, जिन्हें किस किस अवसाद के कारण, कभी आगे बढ़ने के कारण वो किसी न किसी चक्कर में टेंशन में रहता है। हमने सहयोग में भी देखा है कि अनेकों साधक बेहद टेंशन में रहते हैं, बिना किसी बात के टेंशन है। श्री माता जी किसी चरण में आए थे टेंशन से मुक्त होने के लिए, लेकिन आकर अनेकों प्रकार की टेंशन अपने अंदर धारण कर ली है। हमारी इस अनुभूति का नाम ही टेंशन है। जरा ध्यान दीजिएगा, यह टेंशन भी बड़ी चीज है खूब, सारी दुनिया में है इसके नाम की धूम। इस कलयुग में तो भैया अब इसका है बूम, छोटी थी बहुत पहले अब हो गई है जूम। जो लोग टेंशन से घिर जाते हैं वही सभी हो जाते हैं सूम, डूबे रहते हैं सदा न जाने किन किन ख्यालों में। शाम ढलते ही मिटाते हैं अपने अपने गम प्याले में। इसी की मेहरबानी से ही तो भैया सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया है, सबसे ज्यादा लाभ होता है इसके व्यापार में,
इसका बहुत रुतबा है भैया हर मुल्क की सरकार में। हमारे निष्ठावान नेतागण भी इसको ही बढ़ाने में मदद करते हैं, खूब दंगे करा करा कर लोगों को टेंशन प्रदान करते हैं। टेंशन जब बढ़ जाती है तो भैया क्षेत्र की पुलिस अटेंशन हो जाती है, खूब डंडे चलाती है पुलिस टेंशन में आकर, फिर इसी के ही तो चक्कर में आकर रास्ता जाम करती है पब्लिक सड़कों पर जाकर। इसी से प्रभावित होकर तो घर बन जाता है युद्ध का मैदान। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की टेंशन में ही तो माँ बाप उनके पैदा होने से भी पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अच्छे स्कूल में पढ़ाने की टेंशन में अफसर भी खूब रिश्वत खाते हैं। अच्छे नंबर लाने की टेंशन में बच्चे सुसाइड तक कर जाते हैं। आगे जल्दी बढ़ने की टेंशन में भाई भाई के दुश्मन हो जाते हैं। अच्छे घर में शादी करने की टेंशन में माँ बाप भी बिटिया की बोली खुद ही लगाते हैं। खूब दहेज के रूप में सुख साधन बढ़ाने की टेंशन में लोग अपनी ही बहू को जिंदा जलाते हैं। न जाने क्या क्या पाने की टेंशन में लोग दुनिया जहान के अपराध करने लगे हैं। आज ये टेंशन सर्वव्यापी बन गई है, लगता है ये आज का ईश्वर बन गई है। अरे इंसानों को तो छोड़ो, अब ये जानवरों को भी घर कर गई है। तभी तो सोते सोते कुत्ता भी सपने में गुर्राता है, रास्ता गुजरता सांड भी बिन बात के पीछे पड़ जाता है। अरे भैया बंदर भी बिन बात के अब भुड़कने लगे हैं, अब तो बादल भी बिन मौसम के बरसने लगे हैं। जहां सदा सूखा रहता था खुंदक में आकर वहां बरस पड़ते हैं। ग्रीन बेल्ट के क्षेत्र को अब ये खूब तरसाते हैं, गर्मी में कभी बेहद ठंड और ठंड में कभी गर्मी छाई रहती है। रेगिस्तान में बाढ़, हरे में सूखा अक्सर पड़ जाता है, कहीं पे भूकंप कहीं पे सुनामी खूब आते हैं। लगता है भैया पंच तक भी अब खूब टेंशन में रहने लगे हैं। सीमा कहती हैं अब तो बेटा श्री महादेव को भी हो गई है टेंशन, रौद्र रूप धारण कर वो खड़े हो गए हैं, बड़े जोर से गुस्से में आकर तांडव करने चले हैं। मेरे प्यारे बच्चे हो तुम, जरा ध्यान तुम मेरी बात पर देना। नित्य तुम ध्यान करोगे, सदा संस्कार में तुम मेरी अनुभूति करोगे। सबकी कुंडलियां उठाने में मेरे कार्य में जब लग जाओगे, तब जाकर तुम सभी श्री महादेव की टेंशन कम कर पाओगे। इतने प्रेम से मेरी बनाई सृष्टि को तभी तुम बचा पाओगे, तब जाकर बिन टेंशन के मुक्त जीवन तुम बिताओगे। अब जो हमारी अंतिम अनुभूति आपके समक्ष आने वाली है, यह एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन है, सहज योग से संबंधित गतिविधियों का, साधकों का, जो हम सब से जुड़े हैं, एक दूसरे को देखते हुए कितने प्रकार की गतिविधियां करते हैं सब लोग, और इसमें जो तथ्य है वो बिल्कुल सत्य है। अनेकों लोगों ने हमसे कई बार प्रश्न किया है, अनेकों लोगों ने हमको क्वेश्चन किया है, हमारे बारे में जानना चाहा है, अपने बारे में सदा बताया है। हमारे पास अनेकों लोगों के फ़ोन आते रहे हैं, अनेकों लोग हमसे मिलते रहे हैं, सभी साधक ही हैं, और उनके साथ में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। काफ़ी समय हो गए हैं उन सबको ध्यान करते हुए, 15-15, 20-20 साल पुराने सहयोगी हैं जिनसे मैं मिल पाया हूँ, या जो मुझको मिलकर अपनी स्थितियाँ बताते हैं। तो उन सब का एक अनुभव इस अनुभूति में, इस एक्सपीरियंस के अंदर शामिल है। इसका नाम दिया है साधक कथा बनाम आत्म कथा। इस कविता में हो सकता है आप सबको ऐसा लगे जैसे हम अपनी तारीफ कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हमें अपनी तारीफ करने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन एक बात है, हम जो भी कहना चाहते हैं वो बिल्कुल सच कहना चाहते हैं। जो भी लोगों के उद्गार हैं, जो भी साधकों के विचार हैं, वो इसमें वर्णित है, और हमारी उनके प्रति क्या धारणा है ये इसमें वर्णित है। इसका बिल्कुल भी मतलब हमें स्वयं को प्रोजेक्ट करना नहीं है। एक दिन कुछ सहजन हमसे ही बोले, मन मन मुस्काते हुए लगते हो तुम भोले। ऐसा लगता है हर्षण रहते हो समाधि में, प्रतीत होता है तुम शिव तक पा गए हो। सुरम में पंचवटी में स्थान पा गए हो, हफ्तों हफ्तों काम धंधा छोड़कर यहां वहां जाते हो।
हर पल कृपा बरसती है तुम पर श्री माँ की, फैक्ट्री चलती है देखरेख में श्री गणेश की तुम्हारी, सारे ग्राहक तुमसे संतुष्ट रहते हैं, सप्लायर भी तुम्हारे तकादा तुमसे नहीं करते हैं, जो भी तुम्हारे पास आता है जीवन भर तुम पर इतबार करता है, आज तक एक भी तुम्हारा ग्राहक कम नहीं हुआ है, ना ही सप्लायर्स में इजाफा हुआ है, कर्मचारी हो गए तुम्हारे बेहद पुराने, मेहनत करें हृदय से फैक्ट्री की स्थिति सुधारें, सरकारी विभाग वाले भी तुमसे कुछ कहते नहीं हैं, आस पड़ोस वाले तुमसे प्यार करते हैं, सारे सहजी भी तुमसे विशेष प्रेम रखते हैं, पर अक्सर तुम्हारे बारे में वो बातचीत करते हैं, चाहते हैं जानना सदा तुम्हारे रहस्य को हृदय में, एक अजीब सी पहेली तुम बन गए हो, जन जन की जिज्ञासा का केंद्र बन गए हो, जो पुकारता है तुम्हें हृदय से भाग कर पहुंच जाते हो परम चैतन्य से, हर एक की दुख तकलीफ में तुम खड़े नजर आते हो, फिर भी सदा निर्लिप्त रहते हो, कभी कभी सेंटर जाते हो, संस्थाधारियों को अपनी शक्ल दिखलाते हो, अक्सर पूजा में ही नजर आते हो, मिलकर सभी से तुम वहां फिर एक तरफा हो जाते हो, कोई कहता है तुम लेफ्ट में रहते हो, कोई कहता है तुम राइट की चाल चलते हो, कोई कहे तुम पर नेगेटिविटी छा गई है, कोई कहे श्री माँ की कृपा बरस रही है, कोई कहता है बंधन लगाते नहीं है, फूड सोकिंग कैंडलिंग कैम्फरिंग में विश्वास रखते नहीं है, क्या ये सहज में है या सहज से बाहर है, ध्यान में रहते हैं ध्यान का नाटक करते, पर एक बात तो इनकी सच्ची है, किसी की नकल नहीं करते, ये चीज अच्छी है, ऐसा लगता है श्री माँ के लेक्चर विरोधी कार्य करते हैं, पर लक्षण तो इनके हृदय में श्री माँ के बसने के लगते हैं, अरे ये कैसा विरोधाभास तुम रखते हो भैया, पर लगता है तुमको मिल गया है खेवैया, कभी भी दुख से मुरझाए नहीं मिलते हो, जब भी हम तुमसे मिलते हैं कमल से खिलते हो, क्या रहस्य है तुम्हारा तुम्हारे इस स्वरूप का, जरा हम पर भी तो खोलो ये राज इस हंसी का, हर पल हर घड़ी बहुत से दुख हमें सताते हैं, कई कई साल हो गए फूड सोकिंग शूबीटिंग करते हुए, कैम्फरिंग कैंडलिंग हम सुबह शाम करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर रोज ब्रह्म मुहूर्त में अल्लाह अकबर का राग अलापते हैं, अक्सर मटका पानी स्टिंग नाटिंग मिर्च नींबू रखते हैं, बिना नागा पूजा में जा जाकर हम थक गए हैं, हर हफ्ते सेंटर जा जाकर अब हम ऊब गए हैं, कंठस्थ हो गई है अब निर्मलांजलि हमारे, महामंत्र और अथर्वशीर्ष गागा कर हारे, हवन कर कर तो नाम श्री माँ के याद हो गए सारे, परम चैतन्य भी अब हमारे घर फोटो में दिखने लगे हैं, हवन कुंड में ओम और श्री गणेश दस्तक देने लगे हैं, गोले बन बन कर गण देवता हम पर छाने लगे हैं, हर पल हर घड़ी हम भजन गुनगुनाने लगे हैं, हमारे शस्त्रार भी अब झंझनाने लगे हैं, हर पल हमारे जिस्म में एक सिरन सी रहती है, चैतन्य धारा नसों नाड़ियों में रमण करती रहती है, फिर भी ये मुए दुख हटते क्यों नहीं है, सीमा तो कहती थी गौण हो जाती हैं इच्छाएं सारी, हम तो भैया इन पुनः जागी हुई इच्छाओं से दब गए हैं, हर समय मजे लेने की फिराक में रम गए हैं, जब मौका मिलता है भजन पर नाच लेते हैं, कमर हिला हिला कर घंटों खराब करते हैं, और भैया भजनों का होता है सुंदर कंपटीशन, स्टेज पर गाने की बन गई है टेम्पटेशन, जब भी मौका लगे माइक पकड़कर खड़े होना चाहते हैं, अपने अनुभव है चमत्कार कूद कूद कर सुनाना चाहते हैं, इसकी उसकी तरफ देखकर गलतियां दूसरे की बताते हैं, बड़े गर्व से अपने सपने सुनाना चाहते हैं, चमत्कृत कर देना चाहते हैं हम सबको अपने ध्यान के अनुभव सुनाकर, ताली और प्रशंसा की हसरत रखते हैं दिल में दबाकर, हर वक्त समाज में विशेष होना चाहते हैं, इन सब की चाहत में भैया अवशेष रह गए हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ पाने की चाहत में हम ध्यान करते हैं, अपनी समस्त इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, दूसरों के चक्र पकड़ पकड़ कर उन्हें धिक्कारते हैं, बड़ी हे दृष्टि से हम उन्हें निहारते हैं, जब आ जाता है कोई बेहद तकलीफ में घर जाना बंद कर देते हैं हम उस बदनसीब के, कहते हैं उस पर नेगेटिविटी छा गई है, उनके करीब मत जाना तुम पर भी चढ़ जाएगी, दिन में 36 बार बंधन हम लगाते हैं पर सदा अपने को दुख से ही घिरा पाते हैं, लगता है हमने दुख के साथ रचा ली है शादी, अर्धांग भी बनकर ही हमारे पीछे पड़ गया है, क्यों हमारी खुशहाली में कबाब में हड्डी बन गया है, हम तो बड़ी श्रद्धा से सहयोग में आए थे, शुरू में माँ आदि के लेक्चर हमें बहुत भाए थे, सोचते थे ध्यान करते ही बन जाएंगे हम देवी देवता, दुनिया हमारे पांव छुएगी जन्नत हमारे कदम चूमेगी, जिसको भी हाथ लगा देंगे साईनाथ की तरह, दुख उसके दूर होंगे हवा की तरह, खुद को पुजवाकर हम देवी देवता बन जाएंगे, अकड़ कर चलेंगे धर्म प्रचारक कहलाएंगे, उंगलियों के इशारे पर नाचेंगे सब देवी देवता, भूत राक्षस हमें देखते ही भाग जाएंगे,
समाज में बढ़ जाएगी हमारी प्रतिष्ठा, बहुत नालायक थे पहले अब रुतबा पा जाएंगे, कभी मीडिया में जाकर अपनी पहचान बनाएंगे, सेवा कराएंगे परिजनों से अपनी, रात दिन देखा करते हम यही सपने, ध्यान में आते ही मुक्त हो जाएंगे, दुनिया की सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ जाएंगे, मुक्त आत्मा बनकर यहाँ वहाँ उड़े फिरेंगे, अब धरती पर हमारे पांव नहीं पड़ेंगे, पर जब ध्यान में आकर जानी इसकी असलियत, तब कोफ्त हो गई अपनी तबीयत, छटपटाए से हम दुनिया में घूमते हैं, ना किसी से कुछ कह पाते हैं, बिलबिलाए से फिरते हैं, नमाज की फिराक में रोजे गले पड़ गए हैं, बहुत दिन बाद मिले तुम नारायण भैया, जरा रोशनी डालो डोलती है हमारी नैया, कैसे मिला तुम्हें तुम्हारा खेवैया, दिखते हमें हो हर रोज खाते हुए मौज की सेवैया, सुनकर दुखड़ा उन सहजन का, हृदय हमारा भर आया जानकर उनका तजुर्बा, बड़े प्रेम से हमने उनको दिया दिलासा, ताकि उनमें जागे जीने की नई आशा, पहले हम थोड़ा सा गहनता से मुस्कुराए, बताने से लेकर हम उन्हें बताएं, ताकि सहयोग पर इन्हें विश्वास आ जाए, दुख इनका तनिक कुछ कम हो जाए, विश्वास नहीं रखते हम दुख किसी का बढ़ाने में, सहते हैं सदा हम गम अपने साथ ईश्वर के, फिर बात हमें श्री माँ की याद आई, एक हो तुम सारे जो सहस्त्रार से जने हो, मेरी प्रीति से पल बढ़ रहे हो, तो फिर काहे को बताने में संकोच करते हो, सुना दो इन्हें अपनी सारी जीवन गाथा, सुनकर ये सुदबुद खो जाएंगे, हौसला तुमसे पाकर फिर ध्यान में जुट जाएंगे, फिर शुरू कर देंगे कुंडलियां उठाना, इन सबसे है मुझे कार्य कराना, बहुत बड़े कार्य के लिए मैं धरती पर आई हूँ, सौगात में अपने साथ शक्तियों की लाई हूँ, क्या मेरी मेहनत निष्फल हो जाएगी, क्या मेरी ये इच्छा दम तोड़ जाएगी, ये सारी शक्तियाँ फिर खो देंगी ताकत, मुश्किल हो जाएगी ये सृष्टि बचानी, तुम्हारे पिता बड़े गुस्से में खड़े हैं, रौद्र रूप में वो तांडव करने चले हैं, बड़ी अनुविनय से रोक रखा है मैंने उनको, अब क्षमा नहीं करना चाहते हैं वो किसी को, वक्त परिवर्तन का आ गया है, विध्वंस सृष्टि का निकट आ गया है, सुना तो दूं मैं इन सब को अपना दुखड़ा, नहीं देखना चाहती उदास इन सब का मुखड़ा, मेरे बच्चे हो तुम ही सुना दो गाथा अपने जीवन की, तुम इन्हें बता दो सत्य पर खड़े हो, तुम सत्य इन्हें बता दो, शूरवीर साहसी हो तुम निर्भय इन्हें बना दो, न जाने क्या क्या खोने का डर साथ रखते हैं, बढ़ते नहीं आगे ठिठक ठिठक कर रुकते हैं, खोकर सब कुछ तुमने मुझे पाया है, हर पल हर घड़ी मुझे ध्यान में बिठाया है, मुझको ही तुमने अपना साया बनाया है, हर सांस में मेरा स्मरण किया है, अनंत दुखों का तुमने हृदय से वरण किया है, मेरे अनंत लोकों का तुमने रमण किया है, सभी को हृदय से तुमने प्रेम किया है, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है, केवल दिया है, पाकर इशारा हृदय में हमने श्री माँ से, राज उगलने को तैयार हुए माँ की कृपा से, दिल थाम के जरा सुनना हमारी कहानी, उघाड़ी जा रही है कलम की जुबानी, वक्त के थपेड़े सहकर हम खड़े हुए हैं, लोगों के ताने सहकर हम बड़े हुए हैं, अरे अब तो भैया हम हो गए दुखों से इम्यून, अब तो श्री चंदन में आकर हो गए हम ट्यून, दुखों को बुला बुला कर पास हमने रखा खुद, जाड़ा गर्मी बरसात सहकर हम बन गए सीजन वुड, तुम भी भैया इस प्यारे दुख को अब हृदय से लगा लो, ये दुख कोई और नहीं सीमा का बच्चा है, जो इसका सम्मान करे वही साधक सच्चा है, वरना वो सुख के लालच में पड़कर सदा खाता गच्चा है, जब तुम हृदय से दुख आवरण में पहना पाओगे, तभी तुम दनदनाती नेगेटिविटी से सुरक्षा पाओगे, जो दुख को अपनाते हैं उस पर नेगेटिविटी रहम करती है, क्योंकि ये दुख को अपने बच्चे की तरह प्यार करती है, भला कोई माँ अपने ही बच्चे को कष्ट देती है कभी, दुख को अपनाकर सारे बंधनों से मुक्ति पा जाओगे, जब इसकी अधिकता तुम्हारे जीवन में बढ़ जाएगी, तब तुम्हें मुक्ति की चाह से भी मुक्ति मिल जाएगी, इसीलिए तो भैया हम बंधन अक्सर नहीं लगाते हैं, फिर भी हर पल हर घड़ी सीमा से ही बंधे नजर आते हैं, सीमाता जी कहती हैं मेरे सामने बंधन व्यर्थ है, अरे दुख के रूप में ही तो हम उन्हें अपने साथ सदा पाते हैं, फूड सोकिंग कैंडलिंग एंड कैम्फरिंग हम नहीं कर पाते हैं, हर घड़ी हर पल उनको अपने शस्त्रार वे नसों नाड़ियों में दौड़ता पाते हैं, ऐसे में मटका ट्रीटमेंट वे स्ट्रिंग नाटिंग क्या असर करेगा, सीमा यदि शस्त्रार पर रहें तो बड़े से बड़ा भूत शैतान भी आने से निकट डरेगा, शूवीटिंग वे अल्लाह अकबर की जरूरत नहीं रह गई है, क्योंकि हमारी माता कुंडली शस्त्रार पर डेरा डाल पड़ गई है, हम यह नहीं कहते कि आप यह मत कीजिए, शस्त्रार पर जब सीमा की चहलकदमी कहीं नजर ना आए तब जाकर इन तकनीकों को आप सभी अपनाएं, मदद लेकर पंच तत्वों की अपने चक्र खूब चलाएं,
तभी भैया शैतानों को भी खूब जूते लगाएं और तभी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में अल्लाह अकबर गाएं। यही कहना है भैया, सबसे हमें दवा खाओ डॉक्टर की केवल वक्त जरूरत है। ना क्यों तुम समय गंवाते हो, इन तकनीकों में तुम क्यों गोंद से चिपक जाते हो, ये केवल साधन है, साध्य नहीं है। सहजयोग केवल द्वारा है, सीमा नहीं है। योग सहज के माध्यम से तुम प्रवेश पाते हो, दुखों को धारण जब सहज तुम कर पाते हो, तभी सीमा के चरणों में स्थान तुम पाते हो। सीमा के अंग प्रत्यंग बनकर उनके कार्यों में हाथ बटाते हो। सुनकर ये गहरी राज की बातें, खुशी से चल दिए सभी सहजी जन बतियाते। हम भी अब से दुखों से नहीं भागेंगे, धारण करेंगे जब हम इनको खुशी से, तभी जागेंगे भाग हमारे तभी से। शायरी नहीं, शायद कुदरत का करिश्मा है, इस अनपढ़ गंवार को उसने शायर का दर्जा बख्शा है। ये सब कुछ उसने केवल हमें जगाने के लिए रखा है, मेरी कलम इस्तेमाल कर उसने ये गहरा राज दर्शाया है। ये मेरे अल्फाज नहीं, उसी कुदरत के आंसू है। लगता है जब जख्म गहरा दिलो दिमाग पे, स्याही के रंग में रंग कर पन्ने पर ढलक जाता है, फिर यही दिले एहसास शायरी में ढल कर उभर आता है। ऐसी शायरी से ही तो रूहें बेनकाब होती हैं, जिस्म के जर्रे जर्रे में जिनकी रिहाइश होती है, फिर क्यों मैं महरूम रहूं इस रूहे नाजनीन से, जिसे तेरी शक्ल देकर लगाया मैंने कलेजे से। अब ये मोहब्बत परवान चढ़ जाएगी, मिटाकर मेरे वजूद को अमिट हो जाएगी। ऐसा वर दिया है शिमा ने पुनर्जन्म देकर, कांच के टुकड़ों को भी हीरा बनाया है उन्होंने अपने ताज में जड़कर। जय श्री माता जी। आशा है आप सबको यह अनुभव आनंदित करेंगे। किसी को भी यदि कोई गिला शिकवा हो, इन सब में जो कुछ बताया गया है उनके प्रति कोई नाराजगी हो, तो हम हृदय से क्षमा चाहते हैं। हमारा मकसद किसी भी साधक का दिल दुखाना नहीं है, वरन अपनी अनुभूतियों को आपसे शेयर करना मात्र है। जो भी इन समस्त कविताओं में वर्णित है वो किसी भी प्रमाण के मोहताज नहीं है, ना ही हम यह सब कुछ इनके माध्यम से प्रमाणित करना चाहते हैं। ये केवल एक साधक की अति व्यक्तिगत यात्रा के अनुभव मात्र हैं। आशा है किसी को इसमें जो वर्णित है उन सब चीज़ों से कोई परेशानी नहीं होगी। हृदय से हम सब यही चाहते हैं कि हम सब साधक अपने ध्यान में उन्नति करें और जो जो हमारे बीच में आया है हम सब एक दूसरे से शेयर करें। ये सब शायद सीमा ने हमें इसलिए प्रेरणा दी है क्योंकि अक्सर हमने देखा है अपनी कमियों को, अपनी परेशानियों को साधक शर्म के कारण चर्चा नहीं करते हैं, एक दूसरे से नहीं बताते हैं। शायद हमारे माध्यम से माँ ने सबके बिना बताए ही सबकी हृदय की इच्छाओं को इसमें रखा है और उन्हें पूरा करने का प्रयास किया है। जय श्री मां। अंत में हम आपसे केवल यही कहना चाहते हैं, एक विशाल आंदोलन है जिसमें हम सब ने एक दूसरे का सहयोग करना है। हमारा केवल एक ही नारा है, केवल एक ही नारा है, जगाते रहो, जगाते रहो, जगाते रहो। केवल हमें जगाने के लिए जिम्मेदार होना है, जागने के लिए नहीं। जब हम जगाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे तो स्वतः ही जाग जाएंगे। जय श्री माता जी।